वेलकम टू दिल का रास्ता पेट से। आज की रेसिपी है मार्शमेलो, जिसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रे में बटर पेपर लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम एक बाउल लेंगे, उसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। फिर उसमें 1/2 कप पिसी हुई चीनी डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बटर पेपर वाला ट्रे लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम मिक्सचर डस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें कटोरी लेंगे, उसमें हम जिलेटिन 2 छोटे चम्मच हम जिलेटिन डालेंगे। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फिर इसके बाद हम एक पैन को गरम करेंगे, उसके अंदर 1 कप चीनी डालेंगे और 1/2 कप पानी और इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाने के बाद इसे हम पकाएंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा थिक ना हो जाए। फिर इसे हम चेक करेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। कटोरी में पानी लिया है मैंने, उसमें इसको डाल के चेक किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये हो चुका है। इसके बाद हम गैस को एकदम धीमा कर देंगे और उसमें जो हमने जिलेटिन घोल के रखी हुई थी उसे डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। एक दो मिनट हो जाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर इसके बाद इसे हम गर्म ही हैंड ब्लेंडर से बीट करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये काफ़ी थिक हो चुका है, हमें इसका ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। फिर हम ट्रे लेंगे जिसमें हमने बटर पेपर लगा के रखा था, उसके अंदर 1/2 बैटर डालेंगे और उसे स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके बाद बचे हुए बैटर में हम कलर ऐड करेंगे। ये मैंने येलो कलर लिया है, आप चाहे तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं और इसे भी हम बीट कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद इसे हम व्हाइट वाले बैटर के ऊपर डालेंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम
जो कॉर्नफ्लोर और चीनी का मिक्सचर तैयार किया था उसको डस्ट कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। और इसे हम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। आप देख सकते हैं ये सेट हो चुका है। अब हम इसे ट्रे से निकालेंगे। बटर पेपर को हम नाइफ की सहायता से निकालेंगे। ये थोड़ा चिपचिपा होता है, इसलिए हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और चीनी का जो मिक्सचर तैयार किए थे उसे डस्ट करते हुए हमें बटर पेपर को निकालना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बटर पेपर निकालने के बाद हम इसे कट करेंगे। इसे हम कट करते हुए कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी लगाते रहेंगे, नहीं तो ये चिपकेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे कट करने के बाद हमें इसके ऊपर भी थोड़ा सा मिक्सचर डस्ट करना है कि आपस में चिपके ना। आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल दिल का रास्ता पेट से को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।